हेलो डियर फ्रेंड्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स आवर वीडियो नंबर सिक्स ऑफ एस एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें अभी हमारा फिलर्स का पार्ट चल रहा है एंड एक वीडियो में हम थर्टी फिलर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड इससे पहले हम फाइव वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में वो अवेलेबल है आपको आसानी से मिल जाएगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर वन इज We dash द mark ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट subjects एंड compared their परफॉर्मेंस फॉर द year हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या किया और उनके परफॉर्मेंस फॉर द ईयर को मतलब उनके इस साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया तो मार्क्स को क्या किया जाता है क्वेश्चन मतलब कि ऑफिशियली आस्किंग ये तो नहीं होगा ऑफिशियली कुछ पूछना दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन एंड प्रोब्ड का मतलब होता है अनकवर्ड सम हिडन इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो कुछ छिपा हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकालना ढूँढ के दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड इंस्पेक्टेड इसका मतलब होता है डिस्कवर्स शॉर्टकमिंग्स मतलब कि किसी चीज़ में अगर कमियां हैं खामियां हैं तो उसको बाहर निकालना तो स्टूडेंट्स के मार्क्स को एनालाइज किया एंड एनालाइज का मतलब होता है कुछ अच्छे से समझना या उसको एक्सप्लेन करने के लिए समझना दैट इज कॉल्ड एनालाइज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर कनाइव का मतलब होता है सीक्रेटली कुछ गलत काम करना असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना एंड अबेट का मतलब होता है क्राइम कमिट करने के लिए हेल्प करना या फिर इनक्रेज करना एंड हेंडर का मतलब होता है बाधा डालना सो so, यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं इन फाइल्स को मेरे कंप्यूटर में सॉर्ट आउट करने में तो ये पॉजिटिव वे में है इसीलिए हेल्प करने के लिए यूज होगा ऑप्शन बी यानी कि असिस्ट नेक्स्ट अराउंड 100 हंड्रेड डैश अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑप्शन ए बी एंड डी क्लेवर टैलेंट एंड इंटेलिजेंट तो ये तीनों ऑप्शन किसी की एबिलिटी को दिखाता है सो so, ये तीनों तो गलत हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन सी डेलीगेट्स एंड इसका मतलब होता है किसी मीटिंग में एक ग्रुप ऑफ पीपल की ओर से जो बोलने वाला या फिर डिसीजन लेने वाला होता है जो आगे रहता है दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेट सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड इस सेंटेंस का मीनिंग है पूरे वर्ल्ड से कॉन्फ्रेंस में लगभग 100 सौ डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे नेक्स्ट Being a millionaire, he is leading a dash life. सो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पिंग मतलब किसी भी चीज़ का जो कारण बनता है वो कॉज एंड डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अभाव विदाउट एनी मनी फूड और होम जिसके पास कुछ भी ना हो दैट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट एंड ऑप्शन डी लग्जूरियस इसका मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल विलासपूर्ण जीवन सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लग्जूरियस बींग अ मिलियनियर मतलब कि एक मिलियनियर होने की वजह से वो एक लग्जोरियस लाइफ लीड करता है यानी कि विलासपूर्ण जीवन लीड करता है नेक्स्ट इफ़ यू डैश योर बुक आई वुड लाइक टू बोरो इट अगर आपने अपना बुक ख़त्म कर लिया है तो मैं उसे लेना चाहूँगी बोरो करना चाहूँगी तो इसके लिए क्या सूटेबल होगा इफ़ यू फिनिश योर बुक यानी कि अगर आप फिनिश करते हैं इफ़ यू विल फिनिश योर बुक मतलब कि अगर आप फिनिश करेंगे ये भी गलत होगा एंड इफ़ यू फिनिश्ड मतलब कि पास्ट में ये तीनों गलत हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सूटेबल होगा इफ़ यू हैव फिनिश्ड मतलब कि रिसेंटली पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट में अगर आपने वो बुक ख़त्म कर लिया है तो तो मैं उसे बोरो करना चाहूँगी नेक्स्ट इफ़ योर एक्शंस आर डैश व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू कंट्रारी के साथ ऑलवेज टू का यूज़ किया जाता है एंड इसका मतलब होता है ऑपोजिट, किसी चीज़ का ऑपोजिट होना सो so, यहाँ पर कहा गया है अगर आपके एक्शंस आपकी बातों से ऑपोजिट हैं कंट्रारी हैं तो आपको कोई भी बिलीव नहीं करने वाला है नेक्स्ट द बिजनेसमैन हैज डैश कनेक्शन इन द इंडस्ट्री रेस्पेक्टिव का मतलब होता है सेपरेटली यानी कि अपना अपना एंड रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मान के योग्य जिसको सम्मान किया जा सके रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील मतलब कि जो न्यू आइडियाज़ या फिर सजेशंस को गेन करने में रेडी रहता है हमेशा एंड रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार सो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी रेस्पेक्टेबल मतलब कि उस बिजनेसमैन का इंडस्ट्री में बहुत ही रेस्पेक्टेबल कनेक्शंस हैं मतलब कि सम्मान के योग्य कनेक्शंस हैं नेक्स्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज अपने राइवल्स के बारे में क्या करते हैं ताकि उनको एडवांटेज हो पाए तो लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज करना तो अपने राइवल्स को यानी कि अपोजिट पार्टी को प्रेज तो नहीं करेंगे कवेट का मतलब होता है लालच एंड कमेंट का भी मतलब होता है प्रेज करना बट ऑप्शन डी विलिफाई एंड इसका मतलब होता है किसी के बारे में अनप्लीजेंट कहना यानी कि निंदा करना तो ऑबियसली पॉलिटिकल पार्टीज यही करेंगे अपने राइवल्स के बारे में वेलीफाई करेंगे मतलब कि उनकी निंदा करेंगे जिससे उनको फायदा हो पाए नेक्स्ट अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वॉज विनर इन द एज ग्रुप थ्री फाइव पब्लिसाइज का मतलब होता है प्रचार करना मेक समथिंग वाइडली नोन एंड ऑप्शन बी सपोज का मतलब होता है संभावित मानना समथिंग दैट इज़ प्रोबेबल हो सकता है एंड डिस्क्राइब का मतलब होता है बताना लिखना यानी कि वर्णन करना बट डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना एंड ऑप्शन डी ही हो जाएगा करेक्ट आंसर डिक्लेयड अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड मतलब कि कॉलोनी में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड हुआ था एंड काव्या थ्री टू फाइव ईयर्स के एज ग्रुप में विनर डिक्लेयर की गई तो डिक्लेयर की गई मतलब घोषित की गई नेक्स्ट आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्वाइट फास्ट ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है मतलब कि थ्री मंथ्स के प्रैक्टिस के बाद अब मैं बहुत ही फास्ट स्विम कर सकती हूँ तो नेगेटिव तो नहीं होगा पॉजिटिव ही होना चाहिए तो मैं कर सकती हूँ यानी कि ये मेरी एबिलिटी है एंड एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है कैन आई कैन नाउ स्विम क्वाइट फास्ट नेक्स्ट डैस यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो नन बट का मतलब होता है नो वन एक्सेप्ट यू मतलब कि ओनली यू केवल आप ऑप्शन बी नो लेस इसका मतलब होता है एम्फोसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस को जोर देकर बताना ओनली इफ का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और रिग्रेटफुल विश मतलब कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं काश काश हमारे पास एक कार होता ओनली इफ वी हैड अ कार एंड सच दैट का मतलब होता है इतना की सो so, इस सेंटेंस में सूटेबल हो जाएगा ऑप्शन ए नन नन बट नन बट यू डिजर्व द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो मतलब कि शो के सक्सेस के लिए कोई नहीं केवल आप ही क्रेडिट डिजर्व करते हैं नेक्स्ट Everyone in the family has been questioned about the theft. फैमिली में हर किसी को थेफ्ट के बारे में क्वेश्चन किया गया तो ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है सो so यहाँ पर हैज सुटेबल होगा किस हिसाब से चलिए देख लेते हैं हैज़ के साथ ही अगर बिन लगाते हैं एंड उसके बाद वर्ब थ्री का यूज़ होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वर्ड बन जाता है एंड हैव इसीलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एवरी वन है एवरी वन के साथ हैज़ ही यूज होता है सिंगुलर एंड इसके साथ बिन का यूज नहीं होता है अगर इसके साथ पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बनाना ही होता तो बींग लगाते आई एन जी फॉर्म एंड आर भी इसी हिसाब से गलत हो जाएगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हैज़ बिन क्वेश्चन नेक्स्ट सोशल आइसोलेशन ओवरक्राउडिंग द डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस कंपटिटिवनेस कम्पिटिशन से रिलेटेड है इसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा चीपनेस मतलब की घटियापन सस्तापन अट्रैक्टिवनेस मतलब की आकर्षण एंड अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य किसका कितना कैपेबिलिटी है सो so, इस सेंटेंस में कहा गया है सोशल आइसोलेशन मतलब कि हम लोग समाज में रहते हुए भी जो अकेला महसूस करते हैं आइसोलेटेड महसूस करते हैं ओवर क्राउडिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एंड हमारे सोसाइटी का और क्या है जो हमारे स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्पिटिटिवनेस हमारे सोसाइटी का कॉम्पिटिटिवनेस एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस चीपनेस नहीं होगा अट्रैक्टिवनेस भी गलत होगा एंड अफोर्डेबिलिटी सामर्थ्य भी गलत होगा नेक्स्ट दिस डेज यू कैन ट्रांसफर मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनादर आजकल आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से पब्लिकली मतलब खुलेआम हैविली मतलब अत्यधिक भारी मात्रा में या फिर इंस्टेंटली मतलब कि एट वॉन्स इमीडिएटली तुरंत सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिस डेज यू कैन ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर मतलब कि आप तुरंत आजकल आप तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सम सेक्टर्स रिमेन डैश ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एफ एम सी जी फूड एंड टेक्नोलॉजी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिफिकल्ट टाइम्स के दौरान कुछ सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ये सब कैसे रहते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स के दौरान तो रिडनडेंट इसका मतलब होता है यूजलेस अनावश्यक रिपेंटेंट का मतलब होता है रिपेंट करने वाला यानी कि पश्चाताप करने वाला रिपग्नेंट का मतलब होता है डिस्गर्स्ट फील कराने वाला अरुचिकर एंड रेजिलियट का मतलब होता है लचीला स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद सम डिफिकल्टीज चेंज शॉक इलनेस मतलब कि कोई भी कठिनाई आ जाए समस्या आ जाए उससे आसानी से डील करने वाला जो लचीला होता है सो so, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेजिलिएंट। कुछ सेक्टर्स डिफिकल्ट टाइम्स में रेजिलिएंट रहते हैं लचीले रहते हैं नेक्स्ट ही ट्राइड टू डैश माई रिंग इन चारों ऑप्शंस के प्रोनाउंसिएशन सेम है बट आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर देना बहुत ही ईजी है जैसे कि ऑप्शन ए स्टील का मतलब होता है इस्पात एंड ऑप्शन बी स्टील का मतलब होता है चोरी करना एंड ऑप्शन सी एस टी आई डबल एल इसका मतलब होता है स्थिर रहना एंड इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है अभी भी स्टिल अभी भी एंड ऑप्शन डी स्टाइल इसका मतलब होता है एक ऐसी सीढ़ी जिस पर केवल इंसान ही चढ़ सकते हैं उस हिसाब से इसको बनाया जाता है सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टिल ट्राइड टू स्टील माई रिंग यानी कि उसने मेरे रिंग को चोरी करने का ट्राई किया नेक्स्ट डे नो बसेस वी है इवन एफ का मतलब होता है भले ही भले ही वहां पर कोई बस नहीं था हमें टैक्सी लेना पड़ा ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर इवन एफ सुटेबल होता अगर ये फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में होता इवन इफ़ देर वर सो मेनी बसेज मतलब कि भले ही वहाँ पर बहुत सारे बसेज थे हमें टैक्सी लेना पड़ा तब ये सही रहता बट इस सिचुएशन में ये गलत है एंड हैंस का मतलब होता है फलतः फॉर द रीज़न तो ये हैंस इस डैश में गलत हो जाएगा अगर सेकेंड वाले सेंटेंस के साथ हैंस लगाया जाता तो सही रहता देर वर नो बसेज हैंस वी हैड टू टेक अ टैक्सी सो इस हिसाब से हैंस भी यहाँ पर गलत है एंड सिंस के तो बहुत सारे मीनिंग है इसका एक मीनिंग है क्योंकि क्योंकि वहां पर कोई बसेस नहीं थे हमें टैक्सी लेना पड़ा ये राइट हो सकता है बट हम ऑप्शन डी भी देखेंगे इसके बाद चेक करेंगे सो ऑप्शन डी है ऑल दो हालांकि हालांकि वहां पर कोई बसेस नहीं थे यह तो गलत हो जाएगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज देर नो बसेज वी हैड टू टेक अ टैक्सी सिंस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द मदर सेड टू हर सन यू ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो डैश stubborn का मतलब होता है ज़िद्दी रीजनिंग मतलब तर्क या विचार विद का मतलब होता है क्वाइट जो अलग थलग रहना पसंद करता है एंड ऑकवर्ड का मतलब होता है निपटने में मुश्किल डिफ़िकल्ट टू डील विद सो यहाँ पर कहा जा रहा है मतलब एक माँ अपने बेटे से कह रही है तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ज़िद्दी बनना चाहिए सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर स्टब्बर्न नेक्स्ट द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देअर टीचर्स इन प्रेज नहीं होता है हम सिंपली कहते हैं स्टूडेंट प्रेज देअर टीचर इन प्रेज गलत होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा सो so ये भी गलत है एंड ग्रेट गस्टो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हिम्मत करना इन ग्रेट गस्टो ऑफ ये गलत होगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओ इन ग्रेट ओ ऑफ देयर टीचर एंड ये एक फ्रेज है इन ओ ऑफ जिसका मतलब होता है आदर भाव नेक्स्ट इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू हिज प्रमोशन बहुत ही दूर में उसका ट्रांसफर होने की वजह से उसको अपना प्रमोशन क्या करना पड़ा रिजाइन का मतलब होता है जॉब को ही छोड़ देना क्लेम का मतलब होता है दावा करना एजर्ट का मतलब होता है स्पष्ट या फिर बलपूर्वक कुछ कहना एंड फॉर गो का मतलब होता है त्याग देना उसने अपना प्रमोशन त्याग दिया क्योंकि उसका ट्रांसफर एक बहुत ही दूर जगह में हो रहा था नेक्स्ट वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन फोर्सेज हैव डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड इन वेक ऑफ का मतलब होता है मद्देनजर तो क्रॉस बॉर्डर टेंशन के मद्देनजर फोर्सेज को इमीडिएट एक्शन के लिए स्ट्राटेजिक लोकेशंस पर क्या किया गया अगर ज़रूरत पड़े तो तो डिपार्ट इसका मतलब होता है रवाना करना डिप्लॉड का मतलब होता है तैनात होना डिपॉजिटेड का मतलब होता है जमा करना एंड डिपोर्टेड का मतलब होता है निर्वासित करना मतलब कि फोर्सफुली कंट्री से बाहर निकाल देना सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिप्लॉयड मतलब कि उनको तैनात किया गया स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उनको तैनात किया गया नेक्स्ट There वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई asked संगीता टू स्विप डैश अवे यहाँ पर रविश को स्वीप अवे करने बोला जा रहा है यानी कि उसको झाड़ू लगाकर हटाने की बात की जा रही है साफ करने की बात की जा रही है सो so रबिश यहाँ पर अनकाउंटेबल है एंड दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विप इट अवे नेक्स्ट एग्ज आर सोल्ड डैश द डोजन बाय का यूज होता है बाय द डोजन एग्ज आर सोल्ड बाय द डोजन सो द आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट एवरीथिंग हैपन सो क्विकली डैश शी फेल्ड डेस्ड डेज्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज सो सब कुछ इतना क्विकली हो गया इतना जल्दी हो गया कि वो कन्फ्यूज हो गई सो की के लिए यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए दैट दैट शी फील्ड डेज्ड एंड यहाँ पर देन गलत होगा देन का मतलब होता है तब और देन कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है एंड सिंस का मतलब होता है क्योंकि सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद या फिर पोजिशन कह सकते हैं ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है स्मॉल चेंज यानी कि आंशिक परिवर्तन डेनंसिएशन का मतलब होता है सार्वजनिक निंदा मतलब कि खुलेआम किसी की निंदा करना एंड एलिट्रेशन का मतलब होता है क्लोज वर्ड्स मतलब कि जो पास पास वाले वर्ड्स होते हैं उनके फर्स्ट लेटर या फिर साउंड को सेम करना दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इस सेंटेंस में कहा गया है कि एडवर्टाइजर्स राइम एंड क्या यूज़ करते हैं तो राइम के साथ वो एलेट्रेशन यूज करते हैं अपने स्पीच को अट्रैक्शन देने के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए नेक्स्ट द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब्ड टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेज यू डैश रेयरली का मतलब होता है कभी कभी यानी कि बहुत कम रेगुलरली मतलब अक्सर कंप्लीटली मतलब कि पूरी तरह से एंड फ्रीक्वेंटली का मतलब भी रेगुलरली ही होता है यानी कि अक्सर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद वो एक्सपीरियंस आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है सो फ्रीक्वेंटली रेगुलरली एंड रेयरली गलत होगा नेक्स्ट आई फाउंड द सीन ऑफ सम पीपल मेकिंग फन ऑफ अ बेगो क्वाइट डैश डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी सोशाबल मतलब सामाजिक रिपल्सिव मतलब घृणित एंड एडमरेबल मतलब प्रशंसनीय सो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी रिपल्सिव मतलब कि अत्यंत घृणित आई फाउंड द सीन ऑफ सम पीपल मतलब कि मैंने एक ऐसा सीन देखा जहाँ पर लोग एक बेगर का फन उड़ा रहे थे मजाक उड़ा रहे थे तो ये देखना कैसा होता है ऑफकोर्स घृणित होता है सो द आंसर इज ऑप्शन सी रिपल्सिव नेक्स्ट I like both tea and coffee, but prefer the dash. Option A, L A T E R, letter का मतलब होता है बाद में And option B, least, least का मतलब होता है कम से कम Option C, last, last मतलब एकदम end वाला अंतिम एंड एल ए डबल टी ई आर इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला ऑप्शन ए में जो लेटर है उसका मतलब है बाद में एंड ऑप्शन डी है लेटर मतलब बाद वाला सो so, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी लेटर आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी मतलब कि मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है बट मैं बाद वाला ज्यादा प्रेफर करती हूँ एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा पहले वाला यानी कि फॉर्मर नेक्स्ट द बॉय वॉज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर डैश हिज हैंड्स डैश हिज पॉकेट्स ऑप्शन so, के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको द बॉय लीनिंग अगेंस्ट द पिलर मतलब कि बॉय पिलर के सहारे खड़ा था सो ऑप्शन ए में है फॉर फॉर हिज हैंड्स मतलब कि अपने हाथ के लिए ये तो गलत होगा ऑप्शन बी विद एंड इन इसको लगाकर देखते हैं विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स मतलब कि अपने हाथों को अपने पॉकेट में लिए हुए ये करेक्ट हो सकता है बट बाद वाले ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी में है विद एंड फ्रॉम विद हिज हैंड्स फ्रॉम द पॉकेट पॉकेट से फ्रॉम का मतलब होता है पॉकेट से ये गलत होगा एंड फॉर इन फॉर हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स इन तो सही है बट फॉर हिज हैंड्स गलत हो जाएगा मतलब कि अपने हाथ के लिए ये गलत होगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विद हिज़ हैंड्स इन हिज पॉकेट्स नेक्स्ट इट वॉज अ डैश मैटर बट वॉज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज ये एक कैसा मैटर था जो एस्केलेटेड यानी कि और खराब कर दिया गया एस्केलेटेड का मतलब होता है खराब या फिर तीव्र या फिर गहरा कर देना मीडिया कवरेज के द्वारा इस मैटर को और ज्यादा खराब बना दिया गया हम्बल का मतलब होता है विनम्र ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा तुच्छ एंड स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस एंड ऑप्शन डी घेसली इसका मतलब होता है भयंकर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रिवियल मतलब कि ये एक बहुत ही ट्रीविल तुच्छ मैटर था छोटा सा मैटर था बट मीडिया कवरेज के द्वारा इसको एस्केलेट कर दिया गया सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इस वीडियो का पी फाइल लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आगे की वीडियोज़ में इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके बाय थैंक यू